कि इसका हैंडल कितना कंफर्टेबल हुआ है एंड लॉन्ग राइड में इसको अब ले जाना सेफ है कि नहीं। हेलमेट हम नहीं खोलेंगे, तुमको चालान करवाना है करो, तुमको जो करना है करो। वाले को देखो भाई क्या भगा रहा है गाड़ी अभी, ये देखो भाई एकदम से ब्रेक मारा भाई। सो हेलो जी, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड अभी मैं जा रहा हूँ हाईवे पे थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने वो छोटा मोटा राइड भी नहीं किया है एंड थोड़े दिन पहले मैंने इसका हैंडल भी थोड़ा सा मोटिवेशन करवाया था, थोड़ा सा ऊंचा किया था हैंडल इसका, तो उस वजह से मैं भी इसका हैंडल थोड़ा चेक कर लूँगा कि इसका हैंडल कितना कम्फर्टेबल हुआ है एंड लॉन्ग राइड में इसको अब ले जाना सेफ है कि नहीं। एंड उसी के साथ साथ मैंने ये दोनों लीवर गार्ड भी लगाए हैं, इसको भी चेक कर लेंगे। अभी देखो कितना सुंदर अभी मौसम है, मतलब पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर बारिश हो रहा है तो अभी मौसम इसलिए थोड़ा सा ठंडा ठंडा है। भाई साहब ये लोग को देखो भाई, देखो हाईवे पे ऐसे यू टर्न ले रहा है, इन लोगों की वजह से भाई इतना ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। एंड आज तूफान आने का भी चांसेस है, कल भी तूफान आया था, तो देखते हैं आता है कि नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो आते हैं तो आने दो तूफान, हम तो राइड करेंगे भाई, क्योंकि बहुत दिनों से राइड नहीं हुआ एंड एक्चुअली आज संडे भी है तो एक थोड़ा सा राइड करना तो बनता है। एंड उसी के साथ साथ मैंने अपना रेनकोट भी ले लिया, कभी रास्ते में बारिश हुआ तो रेनकोट पहन लेंगे। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए इसको भगाते हैं। तो बात करें अपनी हैंडल गार्ड्स की, तो ये गार्ड्स देखने में बहुत ही सॉलिड लगता है। अभी जो मैं सोनिक का चला रहा हूँ अभी मुझे लग रहा है कि इसका हैंडल ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे अपना हैंडल, तो ये कारण है हैंडल लीवर्स का, तो इस लीवर्स की वजह से इतना ज़्यादा बड़ा लग रहा है अपना हैंडल। एंड वाइब्रेशन की बात करूँ तो वाइब्रेशन इतना कुछ खास बड़ा नहीं है, हल्का सा जो बजीनेस होता है वो बड़ा है और कुछ नहीं। तो देखो गाइस ब्लॉग करते करते मैं माइथन तक पहुंच गया, चलो यहाँ से एंट्री करते हैं क्योंकि बहुत बार हुआ कि मैं उस तरफ से गया हूँ तो आज इस तरफ से जाते हैं। सो गाइस पहले इसी जगह पर एक चेकिंग हुआ करता था एंड ये जो जगह है इस जगह के पीछे पुलिस वाले अपनी गाड़ी को छुपा के लगा देते थे ताकि कोई देख ना पाए, एंड जैसे कोई बाइक वाला या कार वाला आता था पटक से उसको पकड़ देते थे। लेकिन ब्रो हैंडल राइजर बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरा, 2 इंच राइजर लूँगा तो एकदम ही कम्फर्ट हो जाएगा मेरा गाड़ी। एंड अभी तो गर्मी का मौसम आने वाला है तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यही गाड़ी ले लेते हैं। बोलिए माइथन सीपुर आसनसोल। না
আমার আমার ঘরে আরো দুটো গাড়ি আছে, ওই নাম্বারগুলো মুখস্থ নেই, কেন ওইগুলো আমি চালাই না, ওই জন্য। चलो गाइस निकलते हैं। जस्ट मुझे पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो, मैं बोला आसनसोल से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? माइथन जा रहे हैं। गाड़ी का तुम्हारा है? मैंने बोला हाँ जी गाड़ी मेरा है, तो नंबर बताओ। मैंने नंबर बता दिया तो छोड़ दिया मुझे। अगर चाहता तो मेरा पेपर्स भी चेक कर सकता था, लेकिन पेपर्स चेक नहीं किया, बोला कि हेलमेट खोलो। हेलमेट खोल कर दिखा दिया। सो उसके बाद देखा कि कैमरा है, पूछा कि यूट्यूबर हो, तो हमने बोला कि हाँ हम तो यूट्यूबर है, तो बोला ठीक है भाई चलो। अभी इसी जगह पर कोई और लड़का होता, कोई यूट्यूबर होता, तो बोलता नहीं भाई हेलमेट हम नहीं खोलेंगे, तुमको चालान करवा रहा है करो, तुमको जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ झमेला करेंगे, लड़ाई करेंगे, लेकिन हम हेलमेट नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे हेलमेट पे कैमरा लगा हुआ है, जो भी होगा हम रिकॉर्ड करेंगे इसीलिए। ओ भाई इधर देखो गाइस, ये क्या मिनी कूपर है? ओ भाई मिनी कूपर कंट्रीमैन। गाइस क्या था गाड़ी। तो गाइस हम लोग पहुँच चुका है माइथन पे, और भाई कितना सुंदर नज़ारा है अभी देख सकते हो गाइस। सो ये रोड रिपेयर किया है, क्योंकि पहले ये रोड बहुत ही खराब था माइथन का। सो ये देखो नज़ारा कुछ ऐसा है माइथन बीच का, इधर है नदी और इस तरह ये डैम है। तो तुम लोग आगे लेके चलते हैं और दिखाते हैं नज़ारा। अभी क्या है कि एक तो देखो आज संडे है, और सेकंड बात है कि मौसम भी ठंडा है, तो इसीलिए सभी लोग घूमने आ जाते हैं माइथन की तरफ। माइथन हो गया, पंजे हो गया, दोनों तरफ ही आते हैं घूमने। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं माइथन से, और ये देखो मेरे सामने अभी जा रहे हैं यामाहा एरोक्स, और एरोक्स में जो पिलियन बैठा हुआ है इसका पैर देखो कहाँ पर है। मतलब ये स्कूटी वैसे तो ठीक है, लेकिन भाई ऐसे लोकल में घूमने के लिए इतना कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि ये स्कूटी थोड़ा सा स्पोर्ट्स टाइप का बना है। অ্যালকোহল টেস্ট নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ ব্রজেশ। ओ भाई साहब अभी तो हर जगह पुलिस का चेकिंग है भाई, जाते वक्त भी पकड़ा, पिछले वक्त भी पकड़ा, जाते वक्त पकड़ा इसलिए कि मेरा गाड़ी है कि नहीं, किस काम के लिए जा रहा हूँ इसलिए, और आते वक्त पकड़ा कि ड्रिंक करके मैं गाड़ी चला रहा हूँ कि नहीं इसलिए। भाई साहब अभी हर लोग भाई पुलिस भी पहचान जाता है भाई कि ये यूट्यूबर है, कैमरा देख के सब लोग पहचान जाता है। पलटन वाले को देखो भाई क्या भगा रहा है गाड़ी अभी, ये देखो भाई एकदम से ब्रेक मारा भाई, मैं तब से देख रहा हूँ भाई क्या भगा रहा है गाड़ी भाई। बलिनो वाला मेरे पीछे है जस्ट, एंड अब एक तो स्विफ्ट भी उसके साथ जॉइन कर गया है गाइस। ये देखो ये स्विफ्ट डीजल भी अभी भगा रहा है बलिनो वाले के साथ, ये देखो आ गया, ये देखो ये देखो, चलो भाई भगाते हैं। दोनों का कटिंग मार रहा है भाई, बस हो गया। ओ भाई साहब क्या चला रहा है गाइस, पूरा टक्कर की रेस कर रहे दोनों में, बलिनो वाला गायब हो गया पीछे। भाई साहब क्या दिन था गाइस आज का। सो गाइस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हो तुम लोग अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।